सो गाइस, जब आप पढ़ने बैठते हो तो अचानक करंट चला जाता है तो आपको तो बुरा लगता ही होगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने आज ऐसा कुछ बनाया, जैसे कि आप लोग आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है ऑटोकार्ट फैन और लाइट। तो जब करंट चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हो, जब मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर दूंगा तब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये देखना, जैसे कि देख सकते हो हमारा जो लाइट और फैन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है, मतलब करंट जाने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और इसको कोई भी स्टूडेंट बना सकता है और अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकता है। तो चलिए इसको अभी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कुछ टेस्टिंग करके देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हो, ये अभी मतलब चार्ज हो रहा है। और अभी देखना आप, यहाँ पर इसका मतलब स्विच है, जब मतलब करंट चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो देखना, जैसे कि देखा आपने ऑटोमेटिक, मतलब हमारा जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया है और बहुत अच्छा रोशनी देता है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड जैसे कि देख सकते हो, इसका ये पूरा दिखा रहा है, बहुत अच्छा रोशनी देता है। तो इसको कैसे बनाना है ये देखने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक स्टैंड की मदद से मोटर को यहाँ पर लगा दिया है और इसके नाट की मदद से यहाँ पर इसे फिक्स्ड कर दिया है। और मोटर का नेगेटिव वायर और लाइट का नेगेटिव वायर को हमने एक जगह पर कर लिया है। और पॉजिटिव वायर जो देख सकते हो, ये है नेगेटिव वायर, और पॉजिटिव वायर जो है उसको हमने यहाँ से निकाल लिया है, इस चार्जर की यहाँ से। तो ये है हमारा नेगेटिव वायर जो देख सकते हो, ये है हमारा लाइट और फैन का नेगेटिव वायर, और ये है हमारा पॉजिटिव जो देख सकते हो, और ये भी हमारा पॉजिटिव वायर है मोटर और फैन का। और इसको चार्ज करने के लिए हम एक USB का यूज़ करेंगे और एक रिले को यूज़ करेंगे जो देख सकते हो 5 वोल्ट का रिले है, और साथ में एक डायोड को यूज़ करेंगे जो देख सकते हो। और बेसिकली आपको पता होगा रिले का 5 पिन होता है और ये एक स्विच की तरह काम करता है। तो इसका ये पिन, और ये पिन है कॉइल पिन, और यह है नॉर्मली ओपन और यह है नॉर्मली क्लोज, और बीच वाला जो देख सकते हो ये है कॉमन पिन। और जो देख सकते हो ये जो डायोड है उसको मैं कुछ इस तरह से सोल्डिंग कर दूंगा, और साथ में इस वीडियो का जो प्रोजेक्ट का जो डायग्राम है उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सोल्डिंग कर दूंगा, और चार्जिंग कनेक्टर के प्लस को मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा और माइनस को यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा। और गाइस, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं एक जगह पर कर लूंगा और जो जाएगा हमारे बैटरी के निगेटिव पर, और फिर एक डायोड यूज़ करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से सोल्डिंग कर दूंगा जिसके मदद से ये चार्ज हो, और फिर एक स्विच यूज़ करूँगा। और गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और जैसे कि देख सकते हो, अभी मैं लाइट और मोटर का वायर को स्विच के वहाँ पर सोल्डिंग कर रहा हूँ, और यह जो वायर है यह हमारा जाएगा बैटरी के प्लस पर। तो हमने यहाँ पर ये जो वायर है उसको प्लस पर जड़ दूंगा, और ये जो अभी देख सकते हो ये जो है ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर के प्लस है, और यहाँ पर हमने एक डायोड लगा दिया है चार्ज होने के लिए, और यहाँ स्विच से आ गया है। और ये जो देख सकते हो ये और लाइट का नेगेटिव वायर है चार्जिंग कनेक्टर के नेगेटिव वायर पर, और ये है हमारा मोटर और लाइट का नेगेटिव वायर, इसको हमने नॉर्मली क्लोज वाले पिन कर जड़ दिया है, और यह है हमारा बैटरी के प्लस और माइनस। और अभी हम इसको चार्ज करने के लिए एक लाइट यूज़ करेंगे, LED लाइट, इसको हमने डायोड के ऊपर लगा दिया है, और नेगेटिव हमने चार्जिंग कनेक्टर के नेगेटिव वायर लगा दिया है, और अभी हम बैटरी पर सोल्डिंग कर देंगे। और गाइस, मुझे लगता है आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, तो इसके लिए मैं डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बोल सकते हो।